पूछो कैसा चल रहा है आजकल। सब लॉकडाउन में हो, पैक्ड हो अपने अपने घरों में। चलो सही है, अच्छे से रहो, अपना सेफ रहो, प्रोटेक्टेड रहो। ठीक है, तो अब से थोड़ी थोड़ी मिनी छोटी छोटी वीडियोस मैं लाइफ प्रोसेस के ऊपर बना लूँगी, एंड आप उसको देख लेना। ठीक है, समझ लेना टॉपिक को, एंड ट्राई करना कि खुद से नोट्स बना लो। अगर बुक्स हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई नहीं, ना गूगल करो। और एनसीईआरटी की बुक तो हर जगह डाउनलोड हो जाती है, उसको डाउनलोड कर लो और उसकी लाइन बाय लाइन गो थ्रू करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मेन होती है आपकी एनसीईआरटी। लेकिन मैं अभी, मेरे पास कैंडिड नहीं है, तो मेरे पास जो आपके पास जो भी बुक है, आप उससे उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और बुक नहीं है तो देन यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं एनसीईआरटी की बेस पर पढ़ा दूंगी। लेकिन बात क्या है कि एनसीईआरटी में टॉपिक्स छोटे होते हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा बुक साइड बुक से बता रही हूँ। तो पहले देख लेते हैं चैप्टर क्या है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का अगर हम देखें तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है कि लाइफ के लिए जो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या आपने देख लो, जो भी चीज़ें आप करते हैं डेली सर्वाइव करने के लिए, जिन चीज़ों को आप करे बिना नहीं रह सकते, वही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि क्या है, पहली चीज़ तो खाना, क्योंकि उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए, रात तक कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो खाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ज़रूरी है। फिर क्या है, सांस लेते हो, सांस के बिना भी नहीं रह सकते, तो सांस लेना मतलब रेस्पायरेशन। तीसरा क्या हो गया, आपका खून बह रहा है पूरी बॉडी में। ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस सारे, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सारे पार्ट्स में कब जाएगी, ब्लड के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब हमने खा लिया पी लिया तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकलेगा, जितना वेस्ट बॉडी से बाहर निकल रहा है वो क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसे करके ये फोर प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, और हम इन्हीं चारों प्रोसेस के ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा, हर बुक्स में आप देखोगे जो साइड बुक्स होती हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स बनाती हैं। जैसे आपके न्यूट्रिशन के ऊपर अलग चैप्टर मिल जाएगा, हर के ऊपर अलग चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इन सबको एक में कवर अप कर रखा है, क्योंकि ये है ही एक ही पार्ट, ये चारों लाइफ के प्रोसेस है, तो इसको एक ही पार्ट में कर रखा है। लेकिन उसमें तो इलेबोरेट कर ही देते हैं साइड बुक्स में, तो अलग अलग है। ठीक है, बट कोई इतना वो नहीं है डरने की बात, अपना बोर्ड एग्जाम है, कूल होकर पढ़ो अपना। ठीक है, एनसीईआरटी को देखो जितना हो सके अच्छा रहेगा, बाकी साइड बुक में एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करो। तो देख लेते हैं पहले कि लाइफ प्रोसेस में क्या है। तो सबसे पहले तो लिविंग नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है, तो सभी को पता है क्या अंतर होता है, कि हम सांस लेते हैं वो सांस नहीं लेते, हम ग्रोथ करते हैं वो ग्रोथ नहीं करते। ठीक है, और हम मूवमेंट कर सकते हैं, वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। और आप जितनी भी चीजें हैं, हमारा लाइफ स्पैन है, इनको वो लाइफ स्पैन नहीं है, वो तो हमेशा के लिए, कभी मरती नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स। तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे बहुत कॉमन सी बातें बताइए आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, न्यूट्रिशन होता क्या है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन टॉपिक्स को लेंगे और एक एक करके टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज़ जरूरत है, खाना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सांस से ज़्यादा जरूरत है, वो तो है ठीक है, लेकिन हम अभी टॉपिक ले रहे हैं न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर हम पूछें न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है, तो क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, हिंदी में बोले तो पोषण। तो कुछ भी चीज़ खाने के बाद जो हमें उस चीज़ से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। अब खाना एक ही, कितने तरह के खाने होते हैं, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर हम बेसिकली देखें व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग द कंपोनेंट्स, है ना, और बॉडी में उसको यूज करना, तो ये क्या होता है, पूरा न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, तो न्यूट्रिशन किससे मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से, जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे खाने से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये तो हो गया, न्यूट्रिशन के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी बॉडी, हमारे अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही है वो सब किसकी वजह से हो रही है, खाने की वजह से। तो न्यूट्रिशन का क्या बेसिस है, क्या इंपॉर्टेंस है, बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है वो किस वजह से हो रही है, न्यूट्रिशन की वजह से। तो न्यूट्रिशन हेल्प इन ईच एंड एवरी मेटाबॉलिज्म इन एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब खाना किस किस तरीके से हम तो खा रहे हैं, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से खाते हैं, कोई मुंह से खा रहा है, कोई स्किन से ले रहा है, कोई किसी चीज से कर रहा है। तो
अलग अलग मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मोड होते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें दो तरह के होते हैं, एक तो खाना खुद से बनाना और एक खाने को कहीं और से लेना। तो जो खाने को खुद से बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो खाने को कहीं और से लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब खाने से कौन बनाता है खाना? अपने आप प्लांट्स बनाते हैं। और बाहर किसी और से कौन लेता है? हम लेते हैं, हम खुद से थोड़ा बना सकते हैं। बॉडी थोड़ा है कि अपने आप बना लेगी, धूप में खड़े हो जाओ जादू। तो हम क्या करते हैं, हमें खाना लेना पड़ता है प्लांट्स वगैरह से। तो ये था थोड़ा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो अगर हम देखें कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है खुद से, हेटरोट्रॉफिक दूसरे से। अब ऑटोट्रॉफिक टू टाइप्स का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। जो खाना सनलाइट से, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में बन रहा हो उसे क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जो खाना केमिकल्स से बन रहा हो उसे क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो देखो हर प्लांट जो है, अब कीमो ऑटोट्रॉफिक्स के जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, ये सनलाइट की जरूरत नहीं है ना खाना बनाने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं? केमिकल्स से खाना बना लेते हैं। तो प्लांट्स हो गए आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और बैक्टीरिया वगैरह किस में आ गए? माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ये आ गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब आ जाइए हेटरोट्रॉफिक में, जो अपना खाना दूसरे से लेते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। अब ये क्या होता है देखो, पहले तो होलोजोइक। तो होलो मीन्स होल का मतलब कंप्लीट, जोइक का मीन्स एनिमल, मतलब वो एनिमल्स जो कंप्लीट फूड दूसरे से ले रहे हैं वो के होलोफिटिक। ठीक है, जैसे हम होलोफिटिक है, हम पूरा का पूरा बाइट दूसरी लेते हैं या फिर खाने को बाइट बाइट खा रहे हैं। ठीक है, तो हम एंगल्फ कर रहे हैं होल फूड, तो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। सैप्रोट्रॉफिक जो सड़ी गली चीजों के ऊपर पैदा हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही है घर में, उसके ऊपर फफूंदी आ गई, कुछ भी आ गया, तो ये क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफिक, जो सड़ी गली चीजों के ऊपर पैदा हो, तो हम क्या कह सकते हैं? फफूंदी, मतलब फंगी हो गई। और पैरासिटिक, जो अपना खाना दूसरे से लेते हैं, कौन से होते हैं? तो जू हो गई है ना, लाइस हो गई, एक लीच हो गई, लीच चिपक जाती है तो खून ले लेती है। तो ये सब क्या होते हैं? होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। अब एक बार समअप कर लेते हैं, न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है ऑटोट्रॉफिक और कौन सा? ऑटोट्रॉफिक, खुद से खाना बनाने वाला, और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक टू टाइप्स का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक थ्री टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब आ गया जाते हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी मैंने टाइप बताए न्यूट्रिशन के, इन सब के तीन तीन चार चार एग्जांपल्स गूगल से देख के लिखने हैं और याद करने हैं। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। पैरासिटिक जो मैंने बताया वो टू टाइप्स के होते हैं, एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स। मतलब एक तो जो बाहर की साइड होते हैं बॉडी की, और एक जो बॉडी के अंदर की साइड होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं क्या? होते नहीं, होते हैं। कैसे? जो कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो गए, वो क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट्स। और बाहर जैसे जू बॉडी के ऊपर रह रही है ना, तो वो क्या हो गई? एक्टो पैरासाइट्स, मतलब सरफेस पे है वो। तो बाहर की साइड जो होते हैं वो एक्टो, और अंदर जो है वो एंडो पैरासाइट्स। टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ये तो था न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स का न्यूट्रिशन, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स का न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे खाना खाना करते हैं? मतलब वो खाना खुद का बनाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या करते हैं प्लांट्स? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो क्या बोलते हैं प्लांट्स का जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की सब लोगों को याद होगी रिएक्शन, नहीं याद है एक बार मैं बता देगी। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, जिसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से रट लेना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होती है फोटोसिंथेसिस? न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए होती है क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी खत्म करती है, ठीक है, तो हमारे लिए तो ह्यूमन के लिए तो अच्छा ही है, हर चीज़ से अच्छी होती है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बताइए? खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या क्या चीज़ चाहिए? सनलाइट, वाटर, ठीक, और प्लांट चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में पानी नीचे से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर खाना बनाती है, ठीक है, तो इसके हो गए ये कंपोनेंट्स। अभी देखिए मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ क्योंकि एकदम से मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो आप भी टेंशन में आ जाओगे, काफ़ी सिलेबस है, हो जाएगा सब कवर अप, लेकिन ये थोड़ी स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो है तो कूल होके देख लो उसको, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेटली बताऊंगी क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस में काफ़ी सारा है, अभी जो हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उसमें काफ़ी सारा है, तो हम पहले प्लांट न्यूट्रिशन खत्म करेंगे फिर हम एनिमल न्यूट्रिशन पाएंगे, ठीक है, और एनिमल न्यूट्रिशन तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो है वार्म अप के लिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है, तो ठीक है फिर कल को देखती हूँ, अगर ठीक लगे तो बताना फिर नेक्स्ट अपलोड करूँगी, और अगर नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो देखना इसको, ठीक है, चलिए।